हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गोंद के लड्डू कैसे बनाने हैं। कई बार क्या होता है, डिलीवरी के बाद जो गोंद के लड्डू हमारे बुजुर्ग बना के देते हैं, हम उसको अच्छे से नहीं खा पाते, हमारा मन नहीं करता है क्योंकि उसमें सारी चीजें एक्सेसिव डाली होती हैं। तो आज मैं बताऊंगी आपको एक अमाउंट कितनी उसमें डालनी है आपने और कैसे आप उसको खा सकते हो। सबसे पहले गेहूं का आटा जो है और सारे ड्राई फ्रूट्स, मखाने आपने नहीं भूलने हैं, कमरकस आपने नहीं भूलना है, गोंद आपने नहीं भूलना है। ये सारे तीन चीजें तो जरूर इसमें होनी चाहिए ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ। ड्राई फ्रूट्स में आप मखाना और काजू, बादाम, पिस्ता सब कुछ ले सकते हो। आप अच्छे से पीस के रख लोगे। आप गोंद को हमेशा भून के ही पीसना चाहिए क्योंकि गोंद की तासीर जो होती है वो गर्म होती है। और कमरकस क्यों ऐड करना है, क्योंकि हमारे बैक पेन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, जो हमारे डिलीवरी के बाद बैक पेन स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीजों को पीस के अच्छे से लड्डू बना लेना है। तो वो खाना क्यों है, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है डिलीवरी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा हड्डियां टूटने की वजह से वीक हो जाता है जब डिलीवरी होती है। उसके बाद विटामिन डी की मात्रा कम हो जाती है, आयरन कैल्शियम भी कम हो जाता है। ये सारी चीजें आप जब खाते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपको इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो अगर आप इसमें शुगर और देसी घी की मात्रा जो है वो लिमिट में रखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा और आपको खाने का भी मन करेगा। कई बार क्या होता है, नहीं मन करता है खाने का, हम नहीं खा पाते हैं। थैंक यू।